नहीं मैं मैं परफॉर्म नहीं करूंगी. तो फिर आप क्यों आई? बता दीजिए आप क्यों आई हैं. मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ मैम. तो बच्चों को ले आई है मतलब आप साथ में क्यों नहीं लेके आई? बच्चे अच्छा. हाय. हेलो हेलो. ये मेरा भाई है तो इस बार एज अ कंटेस्टेंट मेरा भाई आया है. तो आपके भाई का नाम क्या है? मैम मेरा नाम कुणाल शाह है. और आपकी मम्मी का नाम? गीता शाह. गीता जी. मम्मी जी और बात करेंगे पहले परफॉर्मेंस से. ठीक है सर. अब बैठ जाए. ठीक है. थैंक यू. नब्बे सेकेंड्स है आपके पास. ओके और इस 90 सेकेंड्स में आपको अपना तीन बेस्ट मूव्स दिखाने हैं. ओके सो ऑल द बेस्ट टू यू. ओके हियर वी गो इन 5 6 7 8 म्यूजिक. जब आप डांस करते हो ना तो इट लुक्स लाइक यू आर टेकिंग द होल स्टेज विथ यू. थैंक यू सो मच सर. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप किस तरीके से इसको बीट्स को डाल के इसको एंजॉय कर रहे थे, जो फनी गैग्स थे, एनर्जी एक्सप्रेशन मुझे बहुत ही फ्रेश लगा. I like it. Kunal, dancing acha tha, expressions the, entertaining tha. To main kahungi ki meri taraf se definitely mujhe lagta hai ki Aman ko jo mauka mila hai na thoda seekhne ka, wo aapko bhi milna chahiye. Isliye meri taraf se bhi haan hai. Thank you so much. Aaiye, ma'am. Please aaiye. गीता जी अभी मेरे को लिस्ट चाहिए. उस बेसिस पे मैं सोचूंगी कि कुणाल के लिए बजर बजाऊं कि नहीं बजाऊं. कौन कितना परेशान कर रहा है आपको? पहली बात तो तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, ये तो आपने सुना होगा. जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं ना तो बस ये मेरी बैंड बजा देते हैं. इनको बोलते हैं साहब जी को नाश्ता करो कुणाल को, तो इस सुबह का जो नाश्ता ना लंच में करते हैं. वाह. अमन साहब आएंगे ना कहीं से, अमन साहब तो उधर डाल देंगे बनियान, इधर डाल देंगे मोजे, इधर डाल देंगे जूते. चलो मम्मी उठाती रहेगी. वेरी बैड. माशाल्लाह माशाल्लाह. 50 साल के होने पे 25 साल के लगते हैं. देखो क्या पहने हुए ड्रेस. मोबाइल में लगे रहते हैं ना मैम. तो वो मोबाइल में आप किसको देखते रहते हैं? अपने फोटो डालते हैं मोबाइल में ना. हाँ. और उसी को देखते रहते हैं बस. खुद की फोटो देखते हैं? एक से एक फोटो डालते रहेंगे रोज. और वही फोटो को देखते रहेंगे. अरे भाई नाश्ता कर लो, अरे भाई खाना खा लो. हाँ भी कर रहा ना तू, कर ले मैं कर लूंगा. यह है इनका दिनचर्या. छोड़ ही जाइए, तीनों को छोड़ जाइए. आपको हॉलीडे मुबारक हो. Yeah.
आप इनके साथ हैं? मेरी मम्मा है। अच्छा आप लोग हैं, मम्मा को वहीं पे छोड़ दिया। नमस्ते मैम। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छा तो पहले हम स्नेहा का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ऑल द बेस्ट एंड रोल साउंड। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था। हे रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी। जाने कहां से रासिर जाने आया छैला गिर भारी। मोरे पिया डरता है देखो मोरा जी। चेहरे देखो कितने खुश है वहां पे। स्नेहा जिस तरीके से आपने अंग अंग से खेला है और मूवमेंट के साथ चलते चलते अपर बॉडी कुछ और कर रहा है, लोअर बॉडी कुछ और कर रहा है, वेरी क्लेवरली कोरियोग्राफ। दिस वाज अ चुम्मेश्वरी। थैंक यू सो मच। ये बनता है, ये बनता है तेरे लिए। द क्राउन बिलोंग्स टू यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका परिवार ऐसे खड़ा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू मैम। आप सबके बीच में एक आई कैन सी द बॉन्ड। मम्मी जी से पूछना चाहूंगी, आज स्नेहा का परफॉर्मेंस कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपकी एक ही बेटी डांस करती है कि सारी बेटियों में कुछ ना कुछ गुण है? पढ़ने में सब अच्छी है मैम। इनसे जो छोटी वाली वो भी इंजीनियर करी है, पूरी पढ़ाई पूरी। अच्छा? सब करी, डांस भी सब अच्छा करती है। वाह वाह वाह। आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई होगी? जी 16 साल की जब ना मैं दसवीं पढ़ रही थी तब हो गई थी शादी। तब हो गई थी आपकी शादी? जी। पहली बेटी आपकी किस उम्र में हुई है? 16 या 17-18 में हो गई है। फिर वो दो ढाई ढाई साल के तीन। आप तो बहुत छोटी थी खुद ही, फिर भी आपने फिर एक और बेटी कर ली। इसलिए हो गई, इस बार फैमिली में ही रहा कि एक और शायद है कि बेटे के चक्कर में सभी हो गए। बेटे के चक्कर में हो गया? दादी लोग बोलती थी ना कि एक शायद तीन के बाद हो जाए, शायद पांच के बाद हो जाए। इनको आना था ना, इनको आना था, बेटा नहीं आना था। अक्सर लोगों के घर में कहा जाता है कि वो शर्मा जी का बेटा अच्छा कर रहा है, वर्मा जी का बेटा अच्छा कर रहा है। इसके बाद लोग कहेंगे कि वर्मा जी की बेटियां बहुत कमाल कर रही हैं। यस मैम। कमाल है, मुबारक हो आपको ये प्यार। आपके पापा होते तो मेरा एक सवाल उनसे भी था। मम्मी जी आपसे पूछ लूं, पापा बहुत रोमांटिक हैं क्या? हाँ मैम रोमांटिक है ना। बिंदास बोलिए, हम भी 8 भाई बहन हैं, नो प्रॉब्लम। डैडी बहुत रोमांटिक इंसान थे तब तक ये पैदा हुआ। 8वां संतान। इनके बाद उन्होंने भी कहा कि अब बस। यस। मिस्टर रोमांटिक वर्मा, उनको हमारी तरफ से प्रणाम। आने का बहुत बहुत धन्यवाद। See you at the Megas. Bye. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Hey, Dilham.
मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया है और हर जीरो को हीरो बनाने का काम किया है मुंबई ने। किसी के लिए ये सपनों की नगरी है तो किसी के लिए ये माया नगरी है। किसी की एक तरफा मोहब्बत है तो किसी का फॉरएवर वाला प्यार। मुंबई में सपने बनते भी हैं, बिखरते भी हैं, लेकिन संवरते भी हैं। मुंबई स्ट्रगल भी दिखाता है और सक्सेस भी। कोई नहीं है इसका मुंबई है। सपनों का दूसरा नाम है मुंबई। हर सपने को देखने वाले का पहला प्यार है मुंबई। मुंबई कभी सोता नहीं है लेकिन सपने पूरे करता है। ऊपर वाले ने लिखी हुई किस्मत को बदल सकता है तो वो मुंबई है। मुंबई मेरी जान। मुंबई में सपने पूरे होते हैं ये हर कोई मानता है, लेकिन वो सपने कब पूरे होंगे ये कहां कोई जानता है। 3, 2, 1 म्यूजिक। मैं 22 साल का हूँ। 22 साल में एकदम फाड़ू डांसर हो यार। कैसा लगा इस स्टेज पे परफॉर्म करके? हेवी मैन। हेवी? मेरे को नाच के बड़ा हेवी फील हुआ। हेवी मतलब भारी फील हुआ? भारी था स्टेज पे? नहीं मतलब अभी आप लोग जैसे बोलते हो ना कि फाड़ू, तो अपने उधर असम में बोलते हैं हेवी नसीसो बेट। You're healthy, but you know it means opposite. हम opposites को use करते हैं, you know. है? When I say Sonali ma'am, you are rich. You mean I'm poor, actually. No, you're not poor. आपने बोला? Oh my God. मराठी में इसको बोलेंगे लय भारी. अच्छा. Correct. भारी dance किया. ये. तो अगर I don't want to say stupendo, fantabulously, fantasmagorically, magical, मैं heavy बोलूँ, चलेगा? बहुत ज़्यादा चलेगा ma'am. हाँ तो हैवी है भाई एकदम। थैंक यू मैम। एकदम हैवी, मेरा वेट भी तुझे लग जाए एकदम भाई। थैंक यू। इंडियाज़ बेस्ट डांसर क्यों करने? मैम दो रीज़न है। पहले तो मुझे अपना टैलेंट को शोकेस करना है एक इंडिया के सबसे बड़े मंच में। ओके। और दूसरा मुझे मेरे आइडल से मिलना है जो है तुषार शेट्टी सर। ये थोड़ा झोल का मामला है जी, क्योंकि ऑडिशंस चल रहे हैं फिलहाल तो तुषार शेट्टी जी यहाँ पे है नहीं जी। व्हाट आई कैन डू फॉर यू बिकॉज यू लुक लाइक यू रियली लव हिम, मैं आपकी बात करा सकती हूँ उससे। बात करोगे? हाँ। आजा। हेलो मैम। शेट्टी कैसा है? Hi. अच्छा एक एकदम ना एकदम भारी सॉरी हैवी एक हैवी कंटेस्टेंट है। हैवी मतलब वेट में हैवी नहीं है, डांसिंग में हैवी है। तेरा बहुत बहुत बड़ा फैन है एंड वो आपको आइडल मानता है। सो ही वांट्स टू से हाय टू यू। वन सेकंड, होल्ड ऑन। हाय सर।
सर, हाय 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 सर, आपका आवाज सुन के अच्छा लग रहा है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज एक बार मिल लीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत कोशिश किया सर आपसे मिलने के लिए, पर एक बार जैसे भी आपसे मिल लूँ तो बड़ा गंगा नहा लूंगा मैं। क्या गंगा नहाएगा? अरे वो इतने पसीने में खुद नहाता है, तू मतलब उसी से मिल के गंगा नहा ले। अभी गंगा नहाएगा के पहले ऐसा डुबकी सीधा, कैसे लग रहा है बोल? सर मैं सॉरी मैम, मैं बता नहीं सकता। सॉरी सर, मतलब मैं इनको 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत आइडल मानता हूँ, मतलब मैंने आपके जितने भी वीडियोस है मैंने सब देखे, ये स्टेप से लेके आप जो भी करते हो वो हर चीज़ मैंने ट्राई किया है। आप मेरे ऐसे पर्सनली टीचर कभी हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप मेरे वन ऑफ द बेस्ट टीचर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। तुषार, ये तेरा एकलव्य है, बिना सीखे वो सीख रहा है आपसे। हाँ, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ जब मुझे ऐसा कोई मेरा फैन मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी एक टाइम पे कंटेस्टेंट बन के रियलिटी शोज पे आया था। बट आई एम सो हैप्पी कि आप आए इस शो के ऑडिशन में। आई होप आपका ऑडिशन अच्छा गया होगा। मैम कैसा डांस किया रोहन ने? अच्छा, अभी तो सवाल भी करेगा। बड़ी हिम्मत आई है, बहुत माइंड ब्लोइंग हैवी था, हैवी नया वर्ड सीखा है भाई मैंने। येलो अगले कंटेस्टेंट को भेज दीजिए। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मैम, आर यू ऑल सेट? यस मैम। कम ऑन, किल इट, ऑल द बेस्ट, रेडी एंड रोल साउंड। थैंक यू।
Yes. क्या करने आई थी? I wanted to be an air hostess. Yes, I was studying. I was studying for that. I did my entire IATA course. Oh. Applied to several airlines. I got rejected by a certain airline 6 times over. Then I applied to many airlines in those days. Then my eyesight was an issue. But then when you're in a situation, wo situation badalti to nahi hai na, wo sirf aur kharab hoti jati hai. So I said, itna intezar नहीं हो पाएगा मतलब जो काम आया करते गए क्योंकि वो जुटाना था पैसे जुटाने थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी थी वक्त हालात थोड़े और ख़राब होते गए सो देन आई वॉज लाइक डू वट एवर इट टेक्स वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है आपका नाम बताइए ना प्लीज मेरा नाम विक्रम शेरगिल है मैं हरियाणा तो बिलोंग करना मेरा छोटा जा पेंड है नीलोखड़ी उठो ओके हाँ जी आज क्या करेंगे आप मैं क्रम वेरी नाइस आप रेडी हो हाँ जी हाँ जी आई एंड रोल साउंड सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर मैं तो खोने लगा उसके नशे में बिन पिए बहका एक दिन से भुला दूंगा मैं उसके निशान मिटा दूंगा मैं चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को जा उसे बता दे वो सच कह रहा है दीवारा दिल किसी से लगा रहा झूठे है यार के वादे सारे झूठी है प्यार की कसमें नमस्ते जी बहुत अच्छा सत श्री अकाल Vikram, I have to say this is one of the rarest Krum performances I've seen where I could see the emotion correct. Ek din se bhula dunga main uske nishaan mita. Mitaoge was beautifully done. Uske baad bata dena jis tarike se aapne tap kiya. Very beautiful, very gentle. Aur ek you know the best thing is Krumpers mein itna taakat hota hai ki they go very aggressive. They forget how to be soft. And in your performance as a crumper, I found a lot of softness, Shukar, which was thank beautiful. You. Thank you, and sir. It was not just that. Aap convey kar rahe the. Aap usko feel kar rahe the. Aap usko enjoy kar rahe the. Aap usko mehsoos kar rahe the. Isliye wo ehsaas yahan tak pahuncha hai. Thank you very much for doing this. All the best. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.